तो गाइस यार लास्ट वाली गेम प्ले में आप लोगों ने देखा था कि यार सिंचन के साले ने असल में यार कंप्लेंट कर दी थी हमारे पुलिस के अंदर। अब पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है, देखते हैं। अरे ऑफिसर क्या हो गया, आप मेरे शोरूम के बाहर क्या कर रहे हैं? क्या कोई काम है आपको? गाड़ियां लेनी है? अरे नहीं, हमें गाड़ियां नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए आपको? हमें असल में कंप्लेंट आई है तुम्हारे खिलाफ। क्या मेरे खिलाफ कंप्लेंट? किसने कंप्लेंट की है? मैंने क्या कर दिया? असल में तुम यहाँ पर इल्लीगल गाड़ियां मॉडिफाई कर रहे हो। अरे यार इनको कैसे पता चला कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है? हाँ बताओ, तुम यहाँ पर इल्लीगल गाड़ियां मॉडिफाई कर रहे हो, तुम्हारे पास लाइसेंस भी नहीं है गाड़ी मॉडिफाई करने का, आखिर तुम लोग ये कैसे कर रहे हो? अरे सर असल में आप पहले ये बताइए किसने कंप्लेंट की है। ये असल में कंप्लेंट की है तुम्हारे पड़ोसी ने, जो तुम्हारे पड़ोस में शोरूम है, उनके पापा ने हमें कंप्लेंट करके बताया। ओए जैसा मैंने सोचा था, पुलिस आ चुकी है, अब इनको जेल में उठा कर ले जाएगी। पापा ने क्या दिमाग लगाया, अब इनको पुलिस यहाँ से ले जाएगी उठाकर और फिर मेरा शोरूम चलेगा। चलो मैं इन लोगों के पास चलता हूँ और इन लोगों की मजाक उड़ाता हूँ। समित क्या हाल है तुम्हारा? अरे ये तो वही है ऑफिसर, उठा लो इसको, यही गाड़ियाँ मॉडिफाई करता है इलीगल तरीके से। अरे सिंपिया ये गंजले फिर से आ गया इसकी ऐसी तैसी। पुलिस ऑफिसर सर उठा लो इनको, देखो अब भी मेरी बेइज्जती कर रहे हैं लोग। ओए तेरी इतनी हिम्मत, तू इतना ज्यादा जलता हम लोगों से कि तूने हमारी पुलिस के अंदर कंप्लेंट कर दी, तू पिटेगा बहुत बुरा मरेगा। अब तुम लोग तो जेल में जाने वाले हो। अरे यार मैं तो बोल गया, मैंने जो गाड़ियां मॉडिफाई करके दी थी उस टेस्ला वाले मालिक को अपनी गाड़ियां लेता हूँ, पैसे तो दिए नहीं उसने मेरे को मेरे, मैं अपनी गाड़ियां तो लेके चलता हूँ यहाँ से। यार इतनी मेहनत से गाड़ियां अपग्रेड करी थी यार, अपग्रेड करके मजा आ गया था, पर यार ये तो पैसे ही नहीं दिया। सुमित के शोरूम के ऊपर पुलिस ये क्या कर रही है? अरे भाई साहब क्या चल रहा है यहाँ पर? अरे ये सब क्या चल रहा है? अरे बैनी बैनी बैनी, अरे क्या हो गया? अरे यार मेरे पास लाइसेंस नहीं, और ये भाई पुलिस वाले आ गए यहाँ पर मेरे को पकड़ने के लिए। क्या लाइसेंस नहीं है? अरे भाई साहब लाइसेंस इसके पास तो नहीं है असल में, पर इसके पास भी तो नहीं है जिसके साथ तुम आए हो। क्या कहना चाहते हो मतलब तुम? अरे भाई साहब जिसने आपको रिपोर्ट लिखवाई है वो भी तो गाड़ियाँ मॉडिफाई करवाता है, उसने मुझसे ये गाड़ी मॉडिफाई करवाई है, देखिए आप जरा। कौन सी गाड़ी मॉडिफाई करवाई है इसने तुमसे? अरे ये बगल में जो आप गाड़ी दिया कर, ये मैंने मॉडिफाई करके दी है और इस बंदे ने करवाई है खुद के लिए। हाँ तुम सही कह रहे हो, ये गाड़ी भी तो इल्लीगल है। ये एक सेकेंड अभी चेक कर लेते हैं। हाँ ये गाड़ी भी इल्लीगल है, ये इल्लीगली मॉडिफाई की गई है। हाँ, ये क्या मतलब, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तुम खुद तो पुलिस के अंदर कंप्लेंट लिखवा रहे हो और तुम खुद इल्लीगल काम कर रहे हो। चलो आओ मेरे साथ, तुम्हें जेल के अंदर उठा के लेके चलता हूँ। अरे भाई साहब ऐसे मत करिए प्लीज। नहीं तुम मेरे साथ जेल में जाओगे, मैं तुम्हें जेल में लेके जाऊंगा, तुमने उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई है पर तुम खुद इल्लीगल काम करते हो। अरे ये क्या कर दिया पापा ने, तो मुझे ही फंसवा दिया। अरे आ जाओ चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें जेल की चलाकों के नीचे पल्ली पल्ली करवाऊंगा। अरे सुन दे पल्ली पल्ली क्या होता है? मुझे नहीं पता, कुछ नया सजा होगी सिंचन पुलिस वालों की। अरे भाई साहब ये क्या देख रहे हो आप लोग, भाई जिसने हमारे लिए गड्ढा खोदा वो खुद ही उस गड्ढे में गिर गया यार, मजा ही आ गया। ओके तो गाइस यार ये समस्या तो दूर हो गई, मैं तो एक सेकंड के लिए डर गया था कि मैं कहीं जेल में जाने वाला हूँ। सुन बैनी। अरे हाँ क्या हो गया? एक काम कर सुन, तू गाड़ियां मॉडिफाई कर जब तक मैं थोड़ा काम में आता हूँ। अरे मॉडिफाई, पुलिस आ गई तो फिर से? अबे तू टेंशन मत ले, मैं जा रहा हूँ लाइसेंस का जुगाड़ करने के लिए, ठीक है, जिससे अपा लीगली गाड़ियां मॉडिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो एक काम कर तू जब तक गाड़ियां मॉडिफाई कर अंदर, ठीक है, बाहर मत लेके आइयो गाड़ियों को। अरे तू टेंशन मत ले, समझ जब तक मैं हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जा सिंचन तू इतने। अरे सिंचन हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सिंचन कुछ काम अपा को, थोड़ा वो काम करके अपा को मजा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है। अरे सुन भैया चलो फिर जल्दी से। ओके लेट्स गो गाइस, बैनी तू अपना काम करियो, हम लोग जा रहे, ठीक है। ठीक है ओके। तो गाइस यार यहाँ पर बैनी ने काम शुरू कर दिया है यार, देख रहे हो गाड़ी भाई एक नंबर की कर देता है। और गाइस यार वो लड़की थी जो हमारी मैकेनिक थी यार, वो अभी छुट्टी पे गई हुई है, तो अभी बैनी अकेला काम कर रहा है। और गाइस अभी मैं लेके जा रहा हूँ ये पिकाचू वाली गाड़ी जो भाई बैनी ने मॉडिफाई करके दी है। अरे सुन भैया अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अबे यार मैं तो भूल गया था, अपने दो शोरूम और है ना। अरे हाँ सुन भैया सही बोल रहे हो। अबे भाई साहब यार उनके अंदर तो गाड़ियां ही नहीं है, एक सेकंड यार मैं देख लेता हूँ। गाइस यार ये देख रहे हो ऑडी और टेस्ला वाला शोरूम तो बंद पड़ चुका है, ठप पड़ चुका है यार, क्योंकि इसका जो मालिक था वो असल में यार जेल में है, खुद के लिए गड्ढा खोद दिया भाई इसने। अरे सुन भैया चलो अब जल्दी से। ओके तो गाइस यार मैं तो भूल गया, मेरे दो और नए शोरूम है, दो और शोरूम है, उनके अंदर तो गाड़ियों का मैंने कोई जुगाड़ ही नहीं कर रखा। गाइस यार सारे के सारे शोरूम खाली पड़े हैं यार, मैं अपने मेन शोरूम के ऊपर इतना ध्यान दे रहा था कि इन शोरूम्स को मैं भूल ही गया था। सिंचन एक काम कर,
मैं जाता हूँ और भाई अंदर जाकर रजिस्ट्री के अंदर कुछ गाड़ियाँ चढ़ा के आता हूँ, फिर वे डिलीवर हो जाएगी, ठीक है। अरे सिमझे जल्दी काम करो यार, आज बहुत सारा काम है हमें। हाँ मुझे पता है लाइसेंस लेने भी जाना है पाको, तो लेट्स गो गाइस, हम लोग जल्दी से अंदर चलता हूँ और भाई इसके सिस्टम के ऊपर जाके कुछ गाड़ियों की रजिस्ट्री कर देता हूँ, क्योंकि यार फरारी यार बहुत लेट गाड़ी भिजवाती है ना, तो यार उनके लिए मेरे को रजिस्टर करने में भी टाइम लगता है। तो चलो गाइस अपने एप्पल के कंप्यूटर के ऊपर जल्दी से सारे रजिस्टर करके काम हो चुका है कंप्लीट मेरा, लेट्स गो गाइस। अरे सिमझे हम कहाँ जा रहे हैं सिंचन, तेरे को याद है? सिमझे क्या याद है? मुझे याद है मैंने कल शिमला मिर्च के पकौड़े खाए थे और बहुत तेज पादा था। अब ये नहीं याद रखना तेरे को। अरे सिमझे फिर क्या याद रखना है? कि तू एक नंबर का पागल है। अरे सिमझे यार मजाक मत करो यार, अभी बहुत सीरियस मूड है मेरा। तो गाइस यार अभी मैं आ जा रहा हूँ वापस वो पोर्स वाले शोरूम के ऊपर। तो गाइस यार अभी मेरे पास गाड़ियां नहीं है ना एक भी, तो यार मेरे को कुछ गाड़ियां खरीदनी है यहाँ पर, यार विंटेज कार्स मिलती है। ओके तो चलो गाइस यार विंटेज कार्स खरीदते हैं। अरे एक सेकंड सिंचन, तेरी वाइफ कहाँ चली गई? अरे सिंचन की वाइफ कहाँ गई? और ये कौन नई लड़की आ गई यहाँ पर? अरे भाई कहाँ बटा है, क्या हो गया भाई? अरे यार वो सिंचन की वाइफ मतलब वो लड़की जिसने मेरे साथ शादी की थी यार, उसने मेरे को बर्बाद कर दिया। उसका भाई जेल में चला गया, अब मेरी गाड़ी सारी कचरे में चली गई, मेरा तो धंधा चौपट हो गया, मैंने उससे तलाक ले लिया। क्या सिंचन देख रही है? अरे सुन भैया जो मेरे से ना रह पाई वो दूसरे के पास कैसे रहेगी? अच्छा अच्छा, अरे यार सुमितिया मेरे को तेरे साथ फिर से धंधा करना है यार। अच्छा मेरे साथ तेरे को फिर से धंधा करना है यार? उस दिन तो तूने मना कर दिया था मेरे साथ धंधा करने के लिए, अब तेरे को फिर से मेरे साथ धंधा करना है? अरे यार सुमितिया मेरी बात मान यार, पैसे नहीं है जेब के अंदर यार, प्लीज यार। अभी कितनी गाड़ी है तेरे पास? अभी यार मेरे पास तो सिर्फ एक गाड़ी है जो तेरे पीछे खड़ी है। अच्छा तेरे पास अभी एक गाड़ी है? मेरे को गाड़ियां तो काफी चाहिए थी, तो एक काम कर मैं इस गाड़ी की पेमेंट तेरे को मैं कर देता हूँ। और हाँ याद से कुछ अबकी बार प्रॉब्लम क्रिएट करियो मत, मैं भी ये वाली गाड़ी लेके जा रहा हूँ और नई गाड़ियां मंगा दी उनको भी बहुत जल्दी ले लूंगा डिलीवरी के लिए। तो लेट्स गो गाइस हम लोग निकलते हैं। अरे यार क्या कर रहा है यार, शीशा मटोर बहुत महंगा लगवा रखा है। अबे नहीं 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 और लगवा लियो, बहुत पैसे हैं तेरे पास। जो भाई तूने मेरे साथ किया था उसका कुछ तो इंजाम मिलना चाहिए तेरे को। अरे हमारा शीशा तोड़ दिया। अरे सुन भैया यार तुमने उसका शीशा क्यों तोड़ दिया? अबे सिंचन मजा आ रहा है यार मेरे ऐसे मजे लेने में। अरे सुन भैया यार इस गाड़ी के अंदर तो मशीन गन लगी हुई है। हाँ सिंचन तेरे को पता तो चलो, दिख तो गई तेरे को। अरे सुन भैया हम कहाँ जा रहे हैं? अबे सिंचन मैं असल में एक चीज दिखाने लेके जा रहा हूँ तेरे को। अरे सुन भैया ये तो वही लिम्बोजिन लगती है मेरे को जो तुम लेके आए थे। सिंचन तेरे को याद तो गाइस यार याद आप लोगों को, मैंने सेकंड या थर्ड गेम प्ले में एक लिम्बोजिन लेके आया था अपने दोस्त के पास से। तो गाइस यार वो मैंने पूरी मॉडिफाई करवा के उसके ऊपर एक मशीन गन टिकवा के और उसको पूरा बुलेट प्रूफ करवा दिया है। तो गाइस अभी तुम्हारा भाई आया है डायरेक्ट बड़ी डील करने के लिए, मैं आ चुका हूं प्रेसिडेंट के घर के पास। ओके तो गाइस ये रहे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हो सुमित तुम? हां मैं बढ़िया सर। प्रेसिडेंट सर मेरे को असल में आपसे काम है। क्या काम है सुमित बताओ, हम तुम्हारे लिए कभी भी आ सकते हैं, तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो हमारे लोग संतोष के। अरे मैं आपके लिए एक प्रेजेंट लेके आया हूँ, असल में ये है एक लिम्बोजिन और ये गाड़ी पूरी बुलेट प्रूफ गाड़ी है। इसके अंदर आप चाहे मिसाइल गोलियां बारूद कुछ भी चलाइए, ये कभी भी नहीं टूटेगी और कभी भी नहीं फूटेगी। ये आपकी सिक्योरिटी के लिए मैं लेके आया हूँ। क्या मजाक कर रहे हो, ऐसी कोई गाड़ी भी होती है क्या? आपको अगर यकीन नहीं होता आप अपने कोई से भी होनहार सिपाही को भेज सकते हैं इसके ऊपर गोलियां चलाने के लिए, तोप चलाने के लिए। और सर मैं कहता हूँ काम करो, मैं इसके ऊपर अभी गोलियां चला के देखता हूँ, आप टेंशन ना लीजिए। ये देखिए इतनी गोली चलाऊंगा कि गाड़ी की हालत खराब हो जाएगी। गाइस यार देख रहे हो यार सिर्फ गोलियों के निशान है और अभी तक तो शीशा भी नहीं टूटा है गाड़ी का। अरे सर गाड़ी में दम तो बहुत है, बिल्कुल बहुत ताकतवर गाड़ी है, पर हम इसको तबाह कर देंगे, देखना सर आप बस। हाँ शाबाश शाबाश कर दो उसको तबाह करो। ओह गाइस यार गाड़ी के ऊपर धवा धाड़ मिसाइलें चल रही है गाइस, अब ये क्या बम, ओह माय गॉड। अरे सिंचन ये फट गई तो? अब सिंचन नहीं फटेगी ये गाड़ी। अरे सर ये तो सही में बहुत ज्यादा ताकतवर गाड़ी है, उसको तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ऐसी गाड़ी लेके नहीं आऊंगा ना जो प्रेसिडेंट के काम की ना हो। भाई गाड़ी तो बहुत ज्यादा सॉलिड बनाई है भाई, मेरे शोरूम में से निकली है गाड़ी और भाई बेनी ने मॉडिफाई की है, तो गाड़ी के अंदर तो दम तो होगा भाई। ओह माशाल्लाह क्या गाड़ी है सर, ये असल में अब लास्ट टास्क होने वाला, मैं इसके ऊपर लेजर चलाकर देखने वाला हूँ। गाइस यार इसके ऊपर भाई 10 mm का भाई शील्ड चढ़ी हुई है, टूटे वाले नहीं है भाई ये, बिल्कुल नहीं टूटेगी चाहे तो कुछ भी चला ले। अरे सर सही में बहुत ताकतवर गाड़ी है, देख रहे हो आप गाड़ी अभी तक भी फटने का नाम नहीं ले रही है। अरे भाई साहब हम तो ऐसी चीजें बनाते हैं। सर माशाल्लाह बहुत टकाटक गाड़ी है आपके लिए, माशाल्लाह मजा आ गया। सुमित गाड़िया तो तुमने बहुत अच्छी मॉडिफाई कर रखी है, क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे? मैं तुम्हारे बिजनेस को एक नए लेवल पे लेकर जाना चाहता हूँ। क्या सर क्या कह रहे हैं आप? सुमित तुम बिल्कुल सही सुन रहे हो, आप क्या करवाना चाहते हैं मुझसे?
मैं असल में चाहता हूँ कि ऐसी ताकतवर गाड़ियाँ हमारी मिलिट्री के अंदर भी हो। क्या मिलिट्री के अंदर? मैं अब मिलिट्री के लिए गाड़ी बनाने वाला हूँ भाई साहब, मजा आ गया। रुको सुमित, मैं और मेरा बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ चलेगा मिलिट्री के अंदर। अरे सिंपिया, मिलिट्री की गाड़ी अपग्रेड करेंगे, मजा आएगा अब तो भाई साहब। वही मैं सोच रहा हूँ भाई, आज तुम मजा आने वाला है यार सिंचन। सिंपिया जल्दी चलो। ओके तो जाओ, चलो गाइस यार अभी हम लोग जा रहे हैं मिलिट्री बेस। मिलिट्री बेस से पहले हमें जाना है एयरपोर्ट। और देखिए आप गाड़ी की, आप बस स्टेबिलिटी देखिए और इसकी मजबूती देखिए। और गाड़ी पलट गई, कुछ नहीं होगा भाई पलटने से, देखो सीधी भी हो गई, गाड़ी के ऊपर एक स्क्रैच नहीं आया है। तो गाइस यार फाइनली हम लोग आ चुके हैं मिलिट्री बेस के अंदर। तो गाइस यार अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ भाई साहब। तो गाइस यार अभी हम लोग जाने वाले हैं प्रेसिडेंट के प्राइवेट जेट के अंदर। और गाइस यार इनका प्राइवेट जेट पूरा सोने का बना हुआ है। और सुमित यार ऐसे मत करो यार, अरे जनता का पैसा खाया है आपने, सब पता है मेरे को। अरे यार अंदर की बात अंदर रहने दो, ऐसे बात करोगे ओपन में तो अच्छा नहीं लगता ना। हाँ वही तो, चलो आप जल्दी चलिए। क्या तुझे एयरप्लेन उड़ाना आता है? हाँ मुझे एयरप्लेन है, मैं रेल शिप मैंने सब चलानी आवत, हम टेंशन ना लो कती भी। अब बस तुम आ जाओ मेरे गले बैठो और चाल ले अपा दोनों नहीं चारू अपा चाल लेंगे मिलिट्री बेस के अंदर। सुमित चलो। ओके तो गाइस आपका बॉडीगार्ड नहीं आएगा क्या? ना ये नहीं आएगा। ओके तो लेट्स गो गाइस, चलते जल्दी से मिलिट्री बेस। गाइस यार ये उड़ा लिया अपने उड़ान, चलो गाइस चलते हैं मिलिट्री बेस के अंदर और वहां जाके भाई मैं लूंगा नया काम, नए कॉन्ट्रैक्ट्स। तो गाइस यार सामने है मिलिट्री बेस। मैं पहली बार अपने एरोप्लेन को, मतलब किसी और के एरोप्लेन को लेके जा रहा हूँ मिलिट्री बेस, क्योंकि यार अगर तुम डायरेक्ट मिलिट्री बेस के अंदर अगर किसी का एयरप्लेन लेके जाते हो तो मिलिट्री बेस वाले तुम्हारे प्लेन को तबाह कर देते हैं। तो गाइस यार अभी हम लोग प्रेसिडेंट का प्लेन लेके जा रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार, मिलिट्री बेस है प्रेसिडेंट के लिए। तो यहाँ पर हम लोग हो चुके लैंड। हो बॉयस ऑफ चिंगारिया निकल गई थी। तो फाइनल गाइस हम लोग आ चुके हैं मिलिट्री बेस के अंदर। हो तो गाइस यार बहुत मजा आने वाला है। तो गाइस अगर आप लोग भी देखना चाहते हो आखिर मेरे को क्या काम मिलने वाला है मिलिट्री बेस वालों से, तो अगर वो सब देखना चाहते हो तो यार इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वो सब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट गेम प्ले के अंदर। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे नए गेम प्ले में, जब तक के लिए सायोनारा।